हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस. स्टूडेंट्स, मायसेल्फ हिमांशु मिश्रा एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द यूनिट. दैट मींस जो हम घर में क्या करते हैं, पैसा खर्च करते हैं बिजली जलाने पर, हम उसके ऊपर न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं. हालांकि इस पर जो टॉपिक पर आपकी थ्योरी है वो मैं पहले बता चुका हूं, तो जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो पिछले कंसेक्यूटिव वीडियोस को जरूर देखें, है ना. तो फिर आप देखिए कि काफी कुछ मैंने बताया हुआ है. ऐसा नहीं है, हाउस होल्ड सर्किट के नाम से मेरी वीडियो है, उसको आप जाके देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगी. ठीक है, तो आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो न्यूमेरिकल कर रहे हैं, और हम लोग न्यूमेरिकल किस टाइप का कर रहे हैं, यूनिट्स. जो घर पे बिजली का बिल हम लोग देते हैं वो किस तरीके से चार्ज होता है, उसका अगर क्या रेट हो तो क्या क्वेश्चन क्या हमें पे करना पड़ेगा. तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ वो क्वेश्चन है कि फॉर अ हीटर, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फॉर अ हीटर रेटेड एट 4 kW, रेटेड एट 4 kW एंड 220 वोल्ट्स. ओके, कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, द करेंट. दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर, हमें रेजिस्टेंस निकालना है. तीसरा, द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स. ठीक है, तो एनर्जी 2 आवर्स में कितना खर्च हुआ. तीसरा, एंड द कॉस्ट इफ 1 kWh इज प्राइज्ड एट ₹4.60. ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन में क्या दिया है बेटे कि फॉर हीटर रेटेड 4 kW. किलोवाट किसका यूनिट है, पावर का. तो पावर हमें दिया है कितना, 4 kW. ठीक है, अच्छा. उसके बाद वोल्टेज, उसके मतलब कितने वोल्ट पे ऑपरेट करेगा वो, 220 वोल्ट्स पर. ठीक है, तो क्वेश्चन पहला क्या पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है करंट ऑफ द हीटर, मतलब कितना करंट इसमें चाहिए. तो आप बताइए, पावर का आपके पास फॉर्मूला है, P = VI है, दूसरा है V² R है, तीसरा है V² / R, तीसरा है पावर का I² R. तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, करंट. हमारे पास क्या है, पी और वी है, हमें आई क्या करना है, निकालना है. कौन सा इक्वेशन लगा है, तो आपको देखने में पता लग रहा है कि हाँ ये दो हमारे पास है, तीसरा हम निकाल सकते हैं. तो पावर इज इक्वल टू बेटे वोल्टेज इनटू करंट. यहां से हमें करंट निकालना है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, वी को इसके नीचे ले लेंगे, ले लिया I = P/V. अच्छा, पी कितना है आपके सामने, 4 kW है, तो 4 kW को आप क्या कर लीजिए, वॉट में कन्वर्ट कर लीजिए. किलोवाट को वॉट में कन्वर्ट करने के लिए 10^3 से मल्टीप्लाई करना जाना है. ठीक है, ये इस तरीके से करेंगे, ये आपका 4000 कर लेंगे, 4000/220, 0 0 से कैंसिल हो गया. ठीक है, अब देखें 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये 200 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 11. तो क्या आ रहा है आपके पास, आ रहा है I = 200/11. इसको और छोटा करने की कोशिश करते हैं बेटे, I 11 बन जाए 11, 9 हो जाए बच जाएगा, फिर 11 8 जा 18, फिर हो जाएगा आपका, बचेगा कितना, देखिए करता हूं मैं ऐसे नहीं तो आपको दिक्कत होगी, 200 है ना, तो 200 को 11 से करेंगे तो 11 बन जाए 11 हो जाएगा, तो यहाँ 11, यहाँ से कितना बच जाएगा आपका 9, यहाँ पे 0 हुआ जाएगा 90, तो 90 से टेबल एक्सिड नहीं करना है, तो 11 8 जा 88, तो 88 यहाँ पे 2 बच जाएगा, है ना. तो 2 आप क्या कर लेंगे, पॉइंट लगा के 20 कर लीजिए, तो 11 बन जाए 11 फिर से, तो यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ फिर 9, तो ये 18.18 एम्पियर. ये करंट आ गई. चलिए दूसरा क्वेश्चन आप देखे लिखे होंगे, रेजिस्टेंस ऑफ हीटर, हीटर की रेजिस्टेंस कितनी होगी. तो करंट भी लिख लेते हैं बेटे, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी अभी जब हो सकता है, तो लिख लेते हैं ये इतनी करंट जाएगी. अब हमें निकालना है रेजिस्टेंस, दूसरा निकालना है बेटे आर. अब आप देखिए आपके पास पी है, वी है, आई है, आपको आर निकालना है, तो आर तो यही इन्हीं दोनों में के पास है, तो आप ये इक्वेशन ले लीजिए, क्योंकि इसमें लेने में मजा ही है, ये थोड़ा आप 18 का स्क्वायर करेंगे तो दिक्कत होगी. दोनों में ले सकते हैं आप, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं. ठीक है, तो P = V²/R. बेटे हमारे पास P है, V² R नहीं है, तो R निकालना ही है,
तो V की वैल्यू कितना है 220 वोल्ट्स, V की वैल्यू कितना था 220 था कि नहीं, तो ये 220 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसके स्क्वायर है और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, एक्चुअली आप कर रहे हैं ये V स्क्वायर अपॉन P, तो P की वैल्यू कितनी है 4 किलोवाट, तो 4 यानी 4 किलोवाट मतलब 4 इंटू 10 टू दी पावर 3 या इसी को आप 4000 लिख सकते हैं, ठीक है 4000। अब इसको स्क्वायर को ब्रेक करिए तो 220 का स्क्वायर मतलब दो बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक जीरो यहां से कैंसिल हो गया, एक जीरो यहां से कैंसिल हो गया ना, अच्छा 211 जा यहां पे आप 11 2 से कैंसिल कर दीजिए, इसको यहां से कैंसिल कर दीजिए, आपके पास वैल्यू क्या बच रही है, यहां बच रहा है 11 और यहां बच रहा है 11, तो 11 इंटू 11 नीचे कितना बच रहा है 10, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 121, 11 का स्क्वायर 121 होता है, ठीक है, ये 10 से डिवाइडेड है यानी एक पॉइंट पर क्या कर लीजिए डेसिमल लगा लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 12.1 ओम रेजिस्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 12.1 ओम रेजिस्टेंस। ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है कि एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स, यानी इस हीटर को अगर हम क्या कर लें 2 घंटे तक चला दें, इस हीटर को अगर हम 2 घंटे चला दें तो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो एनर्जी का आपके पास फॉर्मूला क्या था, पावर इन टाइम था कि नहीं, आप देखिए आपको फॉर्मूला लिखाया गया था, तो पावर तो हमें पड़ता है बेटे 4 किलोवाट, चाहे किलोवाट में लिखे चाहे इसमें लिखे, आवर्स में दिया है तो हम लोग क्या कर ले किलोवाट में ही रहने दे, तो टाइम की वैल्यू कितना दिया है 2, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 × 2 = 8 किलोवाट आवर, 4 × 2 = 8 किलोवाट आवर, तो ये आपका क्या है इतनी एनर्जी हमारा हीटर 2 आवर्स में क्या करेगा कंज्यूम करेगा। तो नेक्स्ट क्या रहा है क्वेश्चन कि अगर प्राइस क्या हो, 1 किलोवाट आवर की प्राइस 4.60 है तो इतनी एनर्जी का कितना आपको क्या करना पड़ेगा पे करना पड़ेगा, कितनी एनर्जी इतने का कितना पैसा आपको देना पड़ेगा, ठीक है, तो आपने लिखा क्या है गिवन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इसी का डी पार्ट, गिवन क्या है 1 किलोवाट आवर का प्राइस ऑफ 1 किलोवाट आवर का कितना है ₹4.60, अगर 1 का बेटे इतना है तो 8 का कितना हो जाएगा प्राइस ऑफ 8 किलोवाट आवर, मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 × 4.60, 8 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 8 × 6 = 48, 4 आ जाएगा, 8 × 4 = 32 और ये 36 हो जाएगा, 2 पॉइंट्स पर डेसिमल लगेगा, तो इतना पैसा आपको देना पड़ेगा अगर हम इस हीटर को 2 घंटे तक चलाते हैं तो। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे बेटे, आप प्रिपेयर रहिए, हाँ ऐसे क्वेश्चन हमें मिलेंगे और हम करके आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन एशियन पब्लिकेशन के ही बुक से है, पिछला क्वेश्चन था 59 पेज पर 20 था, अब इस जो एक क्वेश्चन है 59 पेज पर क्वेश्चन नंबर 25। तो अब जो क्वेश्चन है बेटे वो स्क्रीन पर देखिए, एन इलेक्ट्रिक केटल कनेक्टेड टू द 230 वोल्ट मेंस सप्लाई, कनेक्टेड टू द 230 वोल्ट मेंस सप्लाई ड्रॉस अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, ड्रॉस अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करना है, द पावर ऑफ द केटल, द पावर ऑफ द केटलिंग या केटलिंग कहते हैं लोग, ठीक है जो भी आप बोले, दूसरा द एनर्जी ट्रांसफर्ड इन 1 मिनट, द एनर्जी ट्रांसफर्ड इन 1 मिनट, तो एक मिनट में कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी, तो क्वेश्चन समझते हैं ना, कह रहा है इलेक्ट्रिक क्या है केतली है हमारे पास जिसमें जो कनेक्ट किया गया कनेक्टेड टू 230 वोल्ट्स, तो उसको क्या किया गया है कितना वोल्टेज से जोड़ा गया है, 230 वोल्ट से क्या किया गया जोड़ दिया गया है ना, फिर क्या कह रहे हैं कि
वो 10 एम्पियर की करंट उस दौरान क्या करता है, लेता है, यानी उसको जब हम कनेक्ट करते हैं तो 10 एम्पियर की करंट को क्या करता है, लेता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि तो पावर बताइए, तो पावर बताइए, तो आपसे क्या पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, पावर। तो पावर के लिए आपके पास क्या क्या फॉर्मूला है, मैंने तीन फॉर्मूले बताए, तो पहला क्या है, वी इंटू वाई, अरे वाह, तो पहले वाले में मिल गया क्योंकि वी और आई दोनों दिया है, तो बस रख दो, क्या करना है, 230 वोल्ट इंटू 10, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 बढ़ जाएगा, ये बेटे वॉट में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा वॉट में, आप चाहे इसे किलोवाट में बदल सकते हैं, किलोवाट में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, एक किलोवाट बराबर क्या होता है 1000 वॉट, तो एक वॉट बराबर क्या हो जाएगा बेटे 1/1000 किलोवाट, यानी इसको अगर क्या है आपके पास ये 2300 है तो आप क्या करें, किलोवाट में बदलने के लिए 23 वॉट इज इक्वल टू 1000 से क्या कर दीजिए, सिंपल, देखिए एक को अपने 1000 से डिवाइड किया है, वैसे इसको भी क्या कर दीजिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ये 20 से कैंसिल हो जाएगा, एक 10 है तो एक पॉइंट पर क्या कर लीजिए, डेसिमल लगा दीजिए, तो ये किलोवाट आवर हो जाएगा, किलोवाट हो जाएगा, किलोवाट, ठीक है। अब कह रहे हैं कि एक मिनट में कितनी एनर्जी को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, एक मिनट में कितनी एनर्जी को बेटे कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला था बताओ, एनर्जी का आपके पास फॉर्मूला तो है ना, क्या है बताइए, हाँ सर, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, तो पावर आपके पास है ना, टू या तो 2300 रख लीजिए वॉट में, और टाइम कितना दिया है, टाइम आपको दिया है 1 मिनट, 1 मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, तो एक मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड, जब सॉल्व करेंगे तो 3 तो 0 आ जाएगा ऐसे ही, फिर 6 3 18 हम कैरी होगा, 6 2 12 और 1 यहां से आ जाएगा, ये आ जाएगा 138000 जूल, ये एनर्जी किसमें आ जाएगी बेटे, जूल में आ जाएगी, यही आपका आंसर हो गया इसमें। अच्छा, इसमें इसमें रेट नहीं दिया, नहीं तो हम लोग प्राइस भी निकालते, कोई बात नहीं, नहीं दिया तो नहीं दिया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 59 का ही 27 क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है बेटे, 26 क्वेश्चन, 26 नंबर, और 2 किलोवाट और 2 किलोवाट हीटर कॉमा 200 वॉट टीवी और 200 वॉट टीवी एंड 300 वॉट लैंप्स 300 वॉट लैंप्स आर ऑल स्विच्ड ऑन फ्रॉम 6 PM टू 10 PM, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट एट ₹5.50 पर किलोवाट आवर, ठीक है। तो क्या कह रहा बेटे कि हमारे पास क्या है, एक हीटर है, हीटर क्या है, हीटर है आपका 2 किलोवाट का है बेटे, हीटर आपका 2 किलोवाट का है, ठीक है। टीवी है, टीवी 200 वाट का है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 100 वाट के तीन बल्ब 100 वाट के, तो एक बल्ब क्या है आपके, एक बल्ब का 100 वाट, तो 3 का कितना हो जाएगा, बल्ब का 300 वाट हो जाएगा, इतने को क्या किया गया, ऑन कर दिया गया, कितने से कितने समय तक बेटे, 6 PM टू 10 PM, तो यानी टोटल टाइम कितना लग गया, टाइम आपका 6 से 10 तक करेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा, 4 आवर्स आ जाएगा कि नहीं। अब आपको बेटे सारी बातें पता लग गई, आपको कह रहे हैं कि अगर रेट 5.50 पर किलोवाट आवर हो तो आप क्या करिए, प्राइस बताइए। तो पहले हम लोग ये निकाल लें बेटे कि अगर ये 6 से 10 तक चले तो इन्होंने कितना एनर्जी कंज्यूम किया, किलोवाट आवर में कितना एनर्जी कंज्यूम किया,
फिर हम उसको क्या कर लेंगे, कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एक घंटे में कितना प्राइस है उससे हम चार घंटे में मल्टीप्लाई कर देंगे, मिल जाएगा कि नहीं। तो चलिए बस वही काम करना है। तो हमें ये जानना है कि ये कितना एनर्जी कंज्यूम करेंगे। तो पहले बेटे हमें टोटल पावर जानने की जरूरत होगी, टोटल पावर। तो टोटल पावर देखिए 2 किलोवाट है बेटे, तो क्या कर लीजिए इसको 2000 कर लीजिए। 2000 मतलब 1 किलोवाट में क्या होता है, 1 किलोवाट में 1000 होता है वाट, तो 2 में कितना हो जाएगा 2000। अच्छा ये 200 है, चलिए वेरी गुड, ये 300 है, तो ये 300 हो गया। टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2500 वाट, 2500 वाट ये टोटल पावर आएगा बेटे। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना होगा, हमें इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि जो प्राइस दिया है बेटे वो किलोवाट आवर में दिया है, इसको किलोवाट में करना होगा। यानी इसको 1000 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 20 तो कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा वो डेसिमल में 2.5 किलोवाट आवर कर देगा। तो यहाँ पे जो क्या आई पावर आ गई वो कितना आ गई, 2.5 किलोवाट आवर आ गई। आपकी जो पावर आ गई वो कितनी आ गई, 2.5 किलो आवर। ठीक है बेटे, अब हम ये निकाल लें कि कितनी एनर्जी को क्या कर रहा है, ये खर्च कर रहा है, कितनी एनर्जी को खर्च कर रहा है। तो आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला है पावर इंटू टाइम। पावर की वैल्यू 2.5 है, टाइम की वैल्यू 4 है, रख दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 4 5 20, ये क्या कर देगा 2 कैरी कर देगा, 4 2 8 और 8 क्या हो जाएगा 2 10। यहाँ पर एक पॉइंट पर डेसिमल लग जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 10 किलोवाट आवर। ये बेटे एनर्जी में आया, ये एनर्जी आ गई, यानी इतनी एनर्जी को क्या करना पड़ रहा है, खर्च करना पड़ रहा है जब ये बल्ब या टीवी फिटर एक साथ चल रहे हैं चार घंटों में। आपके पास आ गई कि कितनी एनर्जी आपने खर्च किया है। अब आपको एक घंटे का मतलब एक किलोवाट आवर का प्राइस बताया, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्राइस ऑफ ऐसे लिखिएगा, सिंस प्राइस ऑफ 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 5.50, इतना क्या हो रहा है एक का है, तो 10 के लिए कितना हो जाएगा, प्राइस ऑफ 10 किलोवाट आवर मल्टीप्लाई कर दो 5.50। अब क्या करेंगे, ये एक डेसिमल को क्या कर देगा, इधर शिफ्ट कर देगा, तो ये 55 हो जाएगा पॉइंट जीरो, तो इतना क्या हो जाएगा आपकी प्राइस आएगी, यानी ₹55 पे करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिसको आप क्या करेंगे सॉल्व कर सकते हैं। अब और ऐसा क्वेश्चन मुझे मिल नहीं रहा इसमें बुक में, तो आप क्या करेंगे, अब आपका काम क्या है बेटे कि आप इसके न्यूमेरिकल करेंगे। ये क्वेश्चन, ये चैप्टर एक तरीके से होता है समाप्त, क्योंकि इसमें मैंने थ्योरी और न्यूमेरिकल सब कराए, मोस्ट ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल कराने की कोशिश की ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए क्लियर हो जाए। फिर भी आपको अपने से भी क्वेश्चंस करने, ऐसा नहीं है सर ने करा दिया तो हो गया। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन करिए, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल अपनी फेयर कॉपी में लिखिए, कुछ आप रफली क्या करिए सॉल्व करके रखे रहिए, एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन के लिए क्या करेगा, काम करेगा। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए, और जो नहीं आए उसके लिए मैं हूँ, आप मेरे से कॉन्टेक्ट करके अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपका काम अब क्या है, पढ़ाई करना और न्यूमेरिकल सॉल्व करना और रिवीजन करना। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो अब हम नई यूनिट के साथ मिलेंगे, तो आपको अब अच्छा लगेगा क्योंकि हम लोग काफी दिन से एक ही यूनिट पढ़ रहे हैं, लेकिन ये यूनिट से क्वेश्चंस बहुत आते हैं बेटे, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इस वजह से मेरा काम था आपको बताना। ओके, थैंक यू वेरी मच।